हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह की बजे 8 और काफ़ी टाइम पहले हम लोग उठ गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या है ना कि नींद नहीं आती है और तनु को है ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे तनु ने कुछ नहीं खाया था, तो यहाँ पे तनु ऑरेंज खा रही थी और ये देखिए उसको कितनी, मतलब इतनी बोतल लग रही थी, कम से कम 5-6 तो लगी गई थी। बेचारी परेशान हो गई थी और ये देखो बीदी अपना मुंह छुपा रही है। इतने हम लोगों ने सच में गाइस इतनी मस्ती की, मतलब तनु को महसूस नहीं होने दिया कि वो बीमार है। उसको इतना हंसाया, क्योंकि करना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर ना सीरियस बैठे रहो तो जो बीमार होता है उसको यही लगता है कि मैं और बीमार हूँ। इसीलिए हमेशा जो भी आपके घर में बीमार हो तो उसको ऐसे ही हंसाते रहो। फिर ये चेकअप के लिए उसका ब्लड सैंपल ले जा रहे थे और तनु एक बार ले। तो गाइस यहाँ पे मैं घर आ गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल से तनु को वहीं छोड़ के अभी आज के ना तनु की छुट्टी हो रही है, मतलब वो घर आ रही है। तो फिर हम लोगों ने सोचा पहले हम लोग पहुँच जाते हैं, नहा धो के रेडी हो जाते हैं। तो अभी मैंने नहा लिया, खाना खा लिया। मैंने ब्लॉग मतलब मैंने वीडियो शूट नहीं की थी वहाँ से, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं ना और थकी हुई थी ना बहुत। और अब भी रेडी हो गई हूँ, खाना वगैरह से फ्री हो गई हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे डी मार्ट, क्योंकि थोड़ा सा कुछ वहाँ से लेना है। तो डी मार्ट जाने के बाद फिर आज हम लोगों को वापस जाना है, 7 बजे की ट्रेन है। तो मैं दिखाती हूँ नीचे क्या हो रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ नीचे क्या कर रहे हैं सब लोग। और ये मेरी बुआ जी का घर है, बहुत प्यारा घर है उनका, मतलब बहुत अच्छा घर बनवाया है फूफा जी ने। दिखाती हूँ और ये देखिए इतनी सारी शॉपिंग की हम लोगों ने, हैराम। और ये देखिए दीदी खाने में लगी हुई है, बुआ जी उनको खिला रही हैं, मोटी ना हो जाए कहीं। और ये बंसू देखो, बुआ लगता है खिला खिला के मोटा कर देंगे। ये दीदी जो कि हाँ पता है क्या पता है। हेलो गाइस, ये बुआ की ननद। हेलो गाइस, अब मैं सो के उठ गई हूँ और ये हंसी मजाक तो चलते ही रहेगा। सो गई थी हाँ, मैं उठ के फिर सो गई थी। हेलो गाइस बोल के फिर सो गई। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं डी मार्ट के लिए और ये देखिए रेडी हो गए सब लोग। और बुआ तो बुआ बेचारी को हमेशा हम लोग घर पे छोड़ देते हैं, बेचारी काम करती रह जाती हैं, घर पे छूट जाती हैं। हेलो, हमारी बुआ जी बेचारी भोली वाली बुआ जी को काम छोड़ते हैं, हमेशा घर पे छोड़ देते हैं। तो अभी यार बहुत काम, इतना क्या बताऊं मैं। और ये देखिए ब्यूटी क्वीन, ये देखिए ये चाची। और ये भी दियो, मैं जा रही हूँ बुआ को बाय बाय बोल के। गाइस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया दीदी लोगों का, क्योंकि ये लोग आगे निकल गई थी और हम लोग इनका वेट ही करते रहे धूप में। तो तब तक हम लोगों ने यहाँ पे सामान देखा, तो जो जो हम लोगों को पसंद आया वो हम लोगों ने ले लिया था कि बाद में दीदी आएंगी तो वो देख लेंगी, उनको अच्छा लगे तो वो रख लेंगी, ना लगे तो वो वहीं पर रख देंगी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी, फिर हम लोगों ने खाई आइसक्रीम। तो गाइस ये हम लोगों की चल रही है जोरों शोरों से तैयारी। यहाँ पे मैंने 2 बैग लिए हैं, अब देखती हूँ 2 बैग में मेरी पैकिंग हो पाएगी कि नहीं।
तो अभी मेरा थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा थोड़ा करके लेती जा रही हूँ, क्योंकि तभी तक तो पूरा मतलब कर पाऊंगी। तभी मैंने यहाँ पे दो बैग ले लिए हैं, इसके अंदर एक और है छोटा वाला, तो देखती हूँ बनेगा सामान कि नहीं। तो अभी फिलहाल में हम लोगों ने यहाँ से सारा कुछ ले लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि फिर 7 बजे की हम लोग की ट्रेन है तो फिर लेट हो जाएंगे। तो अभी हम लोग घर जाके भी पैकिंग करनी है हमको। यहाँ से सारा सामान लेके हम लोग निकल दिए थे घर के लिए, क्योंकि फिर हम लोगों को शाम को निकलना भी था तो जल्दी फ्री हो गए थे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय और अब हम लोगों को निकलना है थोड़ी देर बाद घर। और ये देखिए सब लोग भी चाय पी रहे हैं, टाइम आ गया है निकलने का। और ये यहाँ पे बुआ खा रही है पॉपकॉर्न, देखते हैं तो क्या हुआ। और यहाँ पे आ गई थी संध्या बुआ तनु को देखने के लिए। ये है तनु की छोटी चाची, तो ये बहुत प्यारी लगती हैं। और ये वहीं पे मैंने इसको कल दिखाया था तो ये भी बहुत क्यूट लगती है। और फाइनली बारी आ गई घर जाने की, तो हम लोगों का सामान ही रखा जा रहा था गाड़ी में। हम लोग आ रहे थे, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, बुआ को भी बुरा लग रहा था और बुआ और दीदी तो रोने ही लगे थे। और यहाँ पे संध्या बुआ की वीडियो बनाई मैंने, बुआ बोले ने इनकी बना लो बहुत क्यूट हैं वो। और ये देखिए सबको बाय बाय बोल के हम लोग निकल रहे थे घर के लिए। आइयो बुआ जा रहे बंद। बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे फूफा जी हम लोगों को छोड़ने गए थे स्टेशन, क्योंकि ना उनके घर से स्टेशन काफी दूर था और ओला आने में टाइम लगता, तो यहाँ पे फूफा जी ही जाते हैं हम लोगों को छोड़ने जब भी आते हैं। तो फूफा जी यहाँ पे हम लोगों को छोड़ने गए और ट्रेन में हम लोगों ने बढ़िया से अपना सामान रखा और अपने ललितपुर के लिए निकल दिए। हम लोगों का सफ़र यहीं तक का था, तो हम लोगों ने किया अपना सफ़र। अब हम लोग ललितपुर पहुँच गए, वहाँ पे चाचा आ गए थे हम लोगों को लेने। और देखिए सामान कितना सारा था, हम लोगों को भूख भी लग रही थी तो चाचा सामान लेके निकल गए थे घर के लिए। और हम लोगों ने बोला था हम लोग ऑटो से आएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने कार में सामान रखा और परी और चाचा सामान लेके घर निकल गए। तो ये देखिए इतना लेट हो गए थे हम लोग कि होटल सारी बंद हो गई थी, बचा कुछ जसराज पे ही हम लोगों को मिला। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पुराने तरीके से वही फिर से सिजल मंगाया और वही खाया, क्योंकि वही अच्छा लगता है और ज़्यादा कुछ हम लोगों को खाना भी नहीं था। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी हम लोगों की। खाना चल रहा है, सूट हो रहा है, देखो बढ़िया से अंदर धुआं निकल रहा था, अब चला दिया यार, आज मजा आ रहा था। तो गाइस यहाँ पे हम लोग खा पी के एकदम फ्री हो गए थे और हम लोगों को घर भी निकलना था, क्योंकि चाचा तो पहुँच गए थे। फिर हम लोग यहाँ पे ई रिक्शा से घर जा रहे थे और यहाँ पे ये लोग बहुत शोर कर रहे थे। इन लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई, आइसक्रीम खाने थी इतनी सर्दी में, पता नहीं क्या क्या खाते हैं ये लोग। तो यहाँ पे हम लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, ऐसा लग रहा था कब घर पहुँचे और सोएं। और आप हालत देख ही सकते हो चेहरे की कि कैसा लग रहा है। सच में 3 दिन तो हम लोग बिल्कुल भी पैर नहीं रुका, जैसे गए थे उसी दिन से शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी शॉपिंग में। और ये है हमारे यहाँ का मंदिर, मतलब ये जैनों का मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर, बहुत अच्छा लगता है और फेमस मंदिर भी है काफ़ी। और ये है हमारा घंटा घर। और अंधेरा इतना हो गया था, अंधेरा क्या, रात इतनी हो गई थी कि सब कुछ बंद था। 11 बजे हम लोग घर जा रहे थे वापस, तो ऑब्वियसली सब कुछ बंद तो हो ही जाएगा। तो गाइस इस ब्लॉग को करती हुई यहीं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड नाइट।